हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा ट्रिकी। गाइस आके फिर से मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मेरा पर्सनल इश्यूज कुछ चल रहा था, तो उसी के कारण भाई मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। भाई बैकग्राउंड में आप लोग को थोड़ा बहुत नॉइज भी देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मैं भाई घर पे नहीं हूँ, वीडियो मेरे को बनाना पड़ रहा है। तो भाई आप सभी लोग के लिए मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, तो भाई उसी मेहनत को देख के भाई एक लाइक तो कर दिया करो। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आते हो यार, चैनल पे वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री में हो जाता है। यार आज की वीडियो में ना मैं आप लोग कुछ अपडेट्स एंड कुछ हिडन प्लेसेस बताऊंगा जो आपके काम आ सकते हैं। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आप सभी लोग को जरूर से जरूर मजा आएगा। चलो यार बिना किसी देरी के हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आओ यार सबसे पहले हिडन प्लेस के बारे में देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले लोकेशन हम लोग को देखने को मिल जाता है पोचिनोक के साइड में। यहाँ पे जो आप लोग को एक बाइक लेके आना है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इसे कुछ सेट करके उसके बाद आप लोग को एग्जिट कर देना है, गेट ऑफ कर देना है। तो भाई आप लोग इस वाले हाउस के अंदर आ जाओगे, जो यहाँ पे साइड में टावर रहता है, जो सेंटोसा वाला ब्रिज होता है उसी के पास ये वाला हाउस है। तो आप लोग उधर जाके ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। और भाई इसका एडवांटेज ये मिलता है आप लोग को, इसमें कोई भी बंदा आप लोग को देख नहीं सकता है और ना ही मार सकता है। और भाई इसका एक डिसएडवांटेज भी है भाई, यहाँ पे आप लोग क्या है ना कि एक बार अंदर आ गए तो भाई बाहर नहीं जा सकते। तो अगर आप लोग को यार यहाँ पे रैंक खेल रहे हो, सोलो खेल रहे हो, तो भाई आप लोग ये ट्रिक अप्लाई मत करना, नहीं तो अभी अगर आप लोग एक बार अंदर जाओगे तो फिर दोबारा बाहर नहीं निकल पाओगे। तो अगर आप लोग के पास टीम नहीं है तो अपने टीम को रिवाइव कर रहे हो, और भाई आप लोग को पूरा मैप में गाड़ी लेके नहीं घूमना है, तो ये ट्रिक अप्लाई करके अपने फ्रेंड्स को रिवाइव कर सकते हो। चलो आओ यार बिना देरी किए नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो हमारा जो सेकंड लोकेशन है वो हमारा यहाँ पे हैंगर पे है, जो आप लोग को ये वाला हाउस देखने को मिल जाता है। तो इधर आप लोग को तीन ग्लू वॉल की जरूरत पड़ेगी, और कुछ इस तरीके से आप लोग को तीन ग्लू वॉल सेट करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रिज पे। तो ऐसे एक ग्लू वॉल सेट कर देना है, देन उसके आगे आप लोग को एक और ग्लू वॉल लगा देना है, तीसरा भी उस जस्ट उसी के आगे आप लोग को लगा देना है। और उसके बाद आप लोग को चल जाना है उस ग्लू वॉल के पास जहाँ पे आप लोगों ने ग्लू वॉल लगाया, तो इस पीछे से आप लोग को जाना है। और उसके बाद भाई यहाँ पे स्कोप ओपन करके आप लोग इसके ऊपर चढ़ जाओ, आराम से इसके ऊपर से चढ़ते जाओ भाई। उसके बाद यहाँ से एक जंप लगाओ, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी एक जंप लगाने वाला हूँ, देख सकते हो। जंप लगाने के बाद यहाँ पे आप लोग को एक एरिया मिल जाता है, आप लोग को इधर चारों तरफ से कवर देखने को मिल जाता है, कोई बंदा किधर से भी मार रहा हो आप लोग को, तो आप इधर रहकर अपना रैंक पुश कर सकते हो। अगर आप लोग किसी बंदे को नहीं छेड़ोगे तो आप लोग काफी देर तक यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। और भाई काफी टाइम ऐसा होता है कि हैंगर की तरफ जोन भी बन जाता है। अगर आप लोग भी ऐसे छुप छुप के अपना रैंक पुश करते हो तो आप लोग के लिए ये एरिया बनाया, जाके एक बार से जरूर ट्राई कर लेना। चलो यार आओ बिना किसी देरी के अब नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लोकेशन हमारा होता है पीक पे। भाई यहाँ पे आप सभी लोग जब जंप करते हो ना, तो यहाँ पे बहुत सारा टाइम ऐसा होता है आप लोग यहाँ पे मर जाते हो, तो गन्ना होने की वजह से आप लोग यहाँ पे मर जाते हो। लेकिन मैं आप लोग को एक ऐसा सीक्रेट लोकेशन बताऊंगा जहाँ से आप लोग को तुरंत ही गन मिल जाएगा, जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में सब लोग को दिखाया था, यूज करने पे हम लोग को जो है गन मिल रहा था। तो यहाँ पे भी एक ऐसा सीक्रेट लोकेशन है, जैसे भाई मैं आप लोग को फिर से दिखा देता हूँ। सेम जगह पे आप लोग को फिर से जंप करना है, और वहाँ पे आप लोग को एक यूज बटन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे हो साइड में यहाँ पे यूज का बटन दिख रहा है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे यूज करते हो ना भाई, तो आप लोग को अच्छा खासा गन देखने को मिल जाता है। तो इसमें से आप लोग तुरंत यूज करके बंदे लोग को तुरंत ही मतलब मार सकते हो। तो ये तो कोई हिडन प्लेस नहीं था, एक हिसाब का सीक्रेट प्लेस था, तो सोचा मैं आप लोग को बता देता हूँ। चलो यार अब आओ बिना किसी देरी के कुछ अपडेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि गेम में 7th एनिवर्सरी आने वाला है, उसी पे हम लोग को एक न्यू बंडल देखने को मिल रहा है, एक न्यू ब्रांड बंडल यहाँ पे देख पा रहे हो। बंडल यहाँ पे देखने को मिला, अभी इसका सिर्फ स्ट्रक्चर देखने को मिला है, अभी इसका फुल फाइनल बंडल तो नहीं शो कर रहा है, लेकिन भाई ये देखने में लग रहा है कि एक वो बंडल होगा मेरे हिसाब से। तो ये जो बंडल आप लोग को देखने को मिला है 7th एनिवर्सरी पे ही देखने को मिलेगा। और भाई एक और भी बंडल ऐसा निकल के सामने आया, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सेकंड वाला बंडल ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो भाई, ये भी तो बिल्कुल ओपी सा लग रहा है। और ये दोनों बंडल आप लोग को मैंने दिखाया ना भाई, आप लोग को दोनों ही बंडल 7th एनिवर्सरी पे देखने को मिल जाएगा। तो आओ यार अभी कुछ ओबी 45 अपडेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कुछ छोटा मोटा अपडेट जो हमारे ओबी 45 अपडेट के अंदर चेंजेस होने वाला है, एक न्यू व्हीकल भी आने वाला है, तो उन सब के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे फ्री फायर ने यहाँ पे आप लोग को एक इमेज जो है लीक करके दिखाया है, और यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है कि एडवांस सर्वर का रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोग को जो है एडवांस सर्वर में FPP CS मोड देखने को मिल जाता है, जो कि अभी आप लोग सिर्फ क्राफ्टलैंड में भी देख सकते हो कि FPP मोड क्या होता है। तो ये जो FPP मोड है उसको फर्स्ट पर्सन मोड बोलते हैं, जिसमें आप लोग का सिर्फ हाथ ही दिखता है और पूरा बॉडी नहीं दिखता है, तो आप लोग का थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। सेकंड यहाँ पे आप लोग को एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिल जाती है, फीमेल कैरेक्टर है भाई। अभी जो बोला गया था कि वो भी 44 में ही आएगा, तो अभी तो वो पुराना कैरेक्टर ही नहीं दे पाया, और यहाँ पे फिर से जो है न्यू कैरेक्टर को स्पॉइल कर दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग को जो है 7th एनिवर्सरी का जो है बैनर भी ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे आप लोग गेम ओपन करते हो तो गेम का इंटरफेस आप लोग को ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। एंड इधर सबसे लास्ट में आप लोग को न्यू व्हीकल देखने को मिल रही है, और भाई ये ओबी 45 में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। भाई ये चलाए मतलब क्या है, ये कैसी व्हीकल है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। बाकी अभी इसका कोई वीडियो निकल के सामने नहीं आया, तो मैं आप लोग को फुल डिटेल्स में नहीं बता पा रहा हूँ। एक इमेज निकल के सामने आया, तो मैं आप लोग को पूरा बारी बारी करके समझा दिया हूँ। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही अपडेट था, बाकी का अपडेट्स एंड हिडन प्लेस मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ये मैं बाहर आया हूँ, तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज भी आ रही होगी, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, गाइस मिलता हूं मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड रहो, मस्त रहो, टेक केयर एंड बाय बाय।